दीक्षा क्रिया का अर्थ क्या है कि जो हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए 10 लाख वर्ष व्याध रहित चाहिए। सबको ये चाहिए कि 10 लाख वर्ष व्याध रहित समय चाहिए, कैसे एक जन्म में होगा। तो जब हम 50 मिनट क्रियायों की जो सूक्ष्म क्रिया करते हैं, तो 50 मिनट करने पर हमें 100 वर्ष मिलता है। तो सुनिश्चित हो गया कि 10 लाख वर्ष जब व्याधि रहित समय अर्जित कर लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान क्या होगा हमें कि परब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। अच्छी तरह से याद रखिए, जो लाइव सेशन है, इनिशिएशन की कुछ कक्षाओं के लिए तो है, बाकी जो इनिशिएशन का मुख्य कार्यक्रम है उसको लाइव सेशन में नहीं दिया जाता है। कौन सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, गलत सुने, कन्फ्यूजन हो तो उससे कर्म बंधन होता है, नुकसान करता है। जिसे आज का क्लास हम लाइव सेशन दे रहे हैं, इसके बाद जिनको रिचार्जिंग एक्सपर्ट है, आती है पूरी तरीके से, जिनको रिचार्जिंग पूरी याद है, चलो पूरा याद है तभी, अगर रिचार्जिंग याद नहीं है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन, एकाग्रता इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम दीक्षा वाली क्रिया कर सकेंगे। दीक्षा क्रिया का अर्थ क्या है कि जो हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए 10 लाख वर्ष व्याध रहित चाहिए। 10 लाख वर्ष व्याध रहित यानी 10 लाख वर्ष का समय हो और व्याध रहित हो, हम बीमारी से मुक्त हों। तो 10 लाख वर्ष बीमारी किसको कहते हैं? आलस से भी बीमारी है, डर लगता है, निंदा करते हैं, जाति कुल का अभिमान है, या आत्मदंभ है कि हम बड़े हैं किसी से, और घृणा है, अच्छे कार्य को करने में लज्जा लगती है। अगर ये सब है तो याद रखिएगा वो सब बीमारी है, फिर 10 लाख का कई गुना लगेगा। तो 10 लाख वर्ष व्याधि रहित, हमने आपको स्पष्ट किया था कि जिस समय हम सेवा कार्य में लगे हों, चाहे पेड़ की सेवा, जानवर की सेवा, मानव की सेवा, पत्थर की सेवा, किसी चीज की सेवा, हम सेवा में इतने लीन हो कि हमें समय ना पता चले, टाइमलेसनेस। जब टाइमलेसनेस होता है तो हम पूरी तरीके से, याद रखिए, हम आलस्य विहीन होते हैं। ऐसे समय में हम व्याधि मुक्त होते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि काम करें तो समय भूल जाए, इनकी संख्या कम होगी। तो सारे लोग, सभी लोग जितने हैं, सबको ये चाहिए कि 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय चाहिए, कैसे एक जन्म में होगा। तो जब हम 50 मिनट क्रियायों की जो सूक्ष्म क्रिया करते हैं, तो 50 मिनट करने पर हमें 100 वर्ष मिलता है। एक अच्छे मानव के रूप में 100 वर्ष में हमारी बुद्धि मन जो परिष्कृत होता है, हमारे जो शरीर में शुद्धता आती है 100 वर्ष में, वो 50 मिनट में आ जाता है। तो आप गुणा भाग करके देखिए तो 10 लाख वर्ष को पाने में लगभग 30 से 35 वर्ष लगते हैं। हम लगभग कर रहे हैं, 2 वर्ष कम या अधिक। इसका मतलब कि एक जन्म में हम 10 लाख वर्ष अर्जित कर सकते हैं व्याधि रहित। तो सुनिश्चित हो गया कि 10 लाख वर्ष जब व्याधि रहित समय अर्जित कर लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा।
ज्ञान क्या होगा हमें कि परब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, उसी परब्रह्म और उन्हीं का राज्य है, वही निर्माता है, वही रचना है, वही रचनाकार है, सब वही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ये स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो किसी एक का अस्तित्व दिखता है, दो का नहीं। जब केवल एक का अस्तित्व होगा तो वहाँ कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगा, वहाँ तूतू मैं नहीं होगा। जब तूतू मैं नहीं है, कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, तो वह अहिंसा, अहिंसा की स्थापना हो गई। यानी अहिंसा का मतलब अमरता। फिर पता चला कि अमर तो परब्रह्म है, फिर पता चला कि हम तो परब्रह्म के साथ एक हो गए, हमारे परब्रह्म में दूरी शून्य हो गई, और यही इस स्वरूप का लक्ष्य है। इससे जो दीक्षा वाली क्रिया आप लेने जा रहे हैं, दीक्षा वाली क्रिया वो है। तो अगर हमें इतनी लगन नहीं है कि हम एक से लेकर 42 तक रिचार्जिंग हम याद कर लें, नियम के साथ सीख लें, इसका अर्थ ये सिद्ध हो जाता है अभी हमने इच्छा नहीं बनाया है दीक्षा वाली क्रिया लेने का। अगर कहा जाए कि रिचार्जिंग जो एक से लेकर 42 तक ये जो एक्सपर्ट हो जाएंगे उनको इमीडिएट, जो भारत की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, भारत की दिल्ली है, हर प्रदेश का अलग अलग राजधानी है, सभी राजधानी में एक बढ़िया पैलेस मिलेगा, उसके रख रखाव का खर्चा मिलेगा, वहाँ पर आने जाने की गाड़ी मिलेगी, डीजल पेट्रोल सब मिलेगा। अगर कोई एक से लेकर 42 तक याद कर ले तो सोच लीजिए कि बहुत से लोग तैयार हैं कि इसको याद कर लेंगे। लेकिन 142 रिचार्जिंग याद करके हम ये अनुभव कर लें कि हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, दूरी शून्य है, अगर इसको पा जाएंगे तो ये तो सबसे बहुत आगे है। परब्रह्म के साथ एक होने का अर्थ क्या है? परब्रह्म ही वही रचना है, वही रचनाकार है, सब कुछ वही है, वही शक्ति है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, सब कुछ वही है। अभी तो हम एक एक पैलेस पाने में, एक एक महल पाने में, सभी राजधानियों में मिले तो बड़े खुश होंगे, जिंदगी भर का खर्चा मिले तो बहुत खुश होंगे, सिक्योरिटी मिले, तो ये तो सब कुछ मिल रहा है। परब्रह्म के साथ एक होने का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। तो इसका मतलब कि सुन करके अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसीलिए 142 तक याद नहीं कर पा रहे हैं। तब ईमानदारी से 142 तक जिसको याद नहीं है वो दीक्षा वाली क्लास में नहीं बैठेंगे। हम आपको देने को तैयार हैं, आप याद कर लीजिए, रुकिए, रुकने की जगह है। इसे 142 तक रिचार्जिंग पूरा सीखने के बाद तब आराम से आप दीक्षा वाली क्रिया लीजिए, फिर आप कर लेंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। दीक्षा वाली क्रिया लिए और कर ना पाए तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, जैसे हेलीकॉप्टर लाके कोई दे दे और हेलीकॉप्टर चला ना पाए, उसका डीजल पेट्रोल कैसे मिलेगा, कैसे इसको उड़ाएंगे, हम कहाँ रखेंगे, हम जगह ही नहीं, तेठो आफत हो गई कि नहीं। हम दीक्षा वाली क्रिया ले लें, अभ्यास न करें, अभ्यास कर ही ना पाए। अगर 142 तक रिचार्जिंग हम पूरी तरह से नहीं सीख पाए हैं तो इसका मतलब कि अभी हमारी इच्छा नहीं है। और ये भी याद रखिए, परब्रह्म के साथ एकता का अर्थ क्या है? अपने शरीर को नहीं बना लेंगे आप, और जितने रूपों में जिस देश में चाहें उस देश में आप एक साथ प्रकट होंगे। जापान में जापानियों की तरह होंगे, अफ्रीका में अफ्रीकन की तरह होंगे, भारत में भारतीयों की तरह होंगे, यूरोप में जैसे यूरोपियन उनकी तरह से होंगे। इस तरीके से आप अनेक रूपों में हर जगह प्रकट होंगे। इसका मतलब जो आप सुन रहे हैं इसमें विश्वास नहीं, बस सुनते हैं आप, इसमें विश्वास होता तो 142 तक रिचार्जिंग सीखने में देरी क्यों होती? दीक्षा लेने के पहले पूरी दुनिया है क्या ये समझना जरूरी है। दुनिया को कैसे समझें
बहुत आसान आपके लिए इसलिए हो गया कि सामिक्तेश्वर गिरी जो महातार बाबा के द्वारा अपॉइंटेड, उनके द्वारा होली साइंस लिखी गई, उसी पहले चैप्टर में दिया है जेनेसिस ब्रह्मांड के बारे में। हम आपको ही एक पेज समझा देते हैं आज, उसको समझ लीजिए और अभी रात में चिंतन करिए। अगर रिचार्जिंग तैयार नहीं है तो इनिशिएशन पोस्टपोन कर दीजिए। हम आपको होली साइंस से एक छोटा इंटरप्रिटेशन हम देने जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस होली साइंस में मिलेगा आपको पहले चैप्टर के गॉस्पेल के सूत्र नंबर 7-10 के अंदर एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हम आपको स्पष्ट करने चल रहे हैं दूसरे तरीके से, क्या आप आराम से समझ सकेंगे। सब चीज़ें जो रचनाकार हैं परब्रह्म है, हम परब्रह्म को पास लिख रहे हैं और इसी परब्रह्म को जब हम अनुभव करते हैं और व्यक्त करते हैं किसी को चित कहते हैं। चित कहते हैं कि वो शक्ति जिसको प्रेम तत्व कहते हैं, वो शक्ति जिसको ज्ञान कहते हैं, वो शक्ति जो अमर है, इसलिए इसे चित को सत भी कहते हैं। और ये चित आनंद भी है, इसी को आनंद भी कहते हैं। तो अगर आप इसको जोड़िए तो सच्चिदानंद हुआ ये। तो समझाने की नियत से हम परब्रह्म को सच्चिदानंद के रूप में हम स्पष्ट कर रहे हैं। इसको याद रखिए, जो भी लिखेंगे अधूरा होगा। तो परब्रह्म की जहाँ मुलाकात होती है इसको सतलोक कहते हैं। इस सतलोक को 14वां भुवन कहते हैं और 7वां स्वर्ग कहते हैं। ये है, सब चीजें वहीं से प्रकट हुई हैं। अब यहां से जो चीज प्रकट हुई वो क्या है? एक ऐसा प्रेम तत्व प्रकट होता है जो अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस प्रेम तत्व को कूटस्थ कहते हैं। उसी प्रेम तत्व को हृदय कहते हैं। हृदय का मतलब जो सीने के अंदर हृदय, वो नहीं, ये कुछ और है। ये इसी को होली घोष कहते हैं। फिर ये चीज फिर और रूपांतरित हुई और इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं। ये है ये है 13वां भुवन। ये है तपोलोक। ये है 6ठा स्वर्ग। इसमें ये 6ठा स्वर्ग है और इसमें जो कोई है उन्हीं को पुरुषोत्तम कहा जाता है। फिर देखिए, यही चीजें और प्रकट होती हैं। ये प्रकट हो गई चित्त में, इसको दृढ़ता के साथ लिखते हैं। ये चित्त है। जब चित्त प्रकट हो गई तो जो चित्त है उसी का ये छाया है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का प्रतिरूप है। तो सारे गुण चित्त के चित्त में होंगे। चित्त का क्या है गुण? चेतना, शक्ति। तो ये भी एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति को भी हृदय की ही शक्ति कहते हैं। लेकिन ये हृदय और सुपीरियर हृदय, ये जो हृदय है उससे थोड़ा नीचे वाला है।
अब देखिए, इस चित्त के साथ इसी को कहते हैं पुरुष। ये जहां पर होता है इसको कहते हैं बारहवां भुवन। 14 भुवन है ना, इसे बारहवां भुवन कहते हैं और इसे जन लोक कहते हैं। इसमें हम पुरुषोत्तम, इसमें हम पुरुष हैं। इसी पुरुष में जब इस स्थिति में आते हैं तो पता चलता है कि हम परब्रह्म की संतान हैं। अभी तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, तो परब्रह्म की संतान हैं। ठीक है, जब चित्त हुआ तो इसमें एक शक्ति आई, क्योंकि ये चित्त सत के साथ है, सत अमर है, तो इसको अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कोई शक्ति आती है जिसको बताए कि तुम अमर हो। उसी शक्ति को जीव भाव कहते हैं, उसी को ईगो कहते हैं, उसी को सांख्य दर्शन में अहंकार कहा गया है। यही जीव भाव है, यही अहंकार है। ये सब याद है कि जब ये जीव अहंकार के रूप में हम आ जाते हैं इस समय, तो फिर हम समझते हैं कि हम मनुष्य हैं। सब दिक्कत वहीं से शुरू, यहाँ कूटस्थ से जो ये चित्त आया, इसके साथ जीव भाव आया, यहीं से दिक्कत शुरू हुई। तो ये जो बारहवां भुवन है जन लोग, ये चित्त से जुड़ा है, इस तरह से ये तरंगों के रूप में निकलता है। ये जो तरंगे हैं, पूरी बॉडी को हम ज्ञान के तरंगों के रूप में जब अनुभव करते हैं तब पता चलता है हम मनुष्य नहीं है, हम ईश्वर के संतान हैं। लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो फिर ईगो आ गया, फिर तो हम मनुष्य हो गए। इस जगह को कहते हैं दशम द्वार, क्योंकि इसमें ये जो जगह प्रकट होती है एक चुंबक के रूप में, एक परमाणु के रूप में। एक परमाणु के रूप में प्रकट होती है जिसमें एक आकर्षण की शक्ति आ जाती है। यहीं पर प्रकट हुआ कि यही चित्त आ गया और यहीं पर ईगो आ गया, जीव भाव आ गया। ईगो क्या कहते हैं, हम परमात्मा दो हैं। अब एक का भाव खत्म हो गया, यहाँ तक एक का भाव था, एक का भाव खत्म हुआ, इस जगह तक सब एक का भाव है। यहाँ तक टच करने पर भी एक का भाव है। जैसे आगे ईगो विकसित हुआ वैसे मन और बुद्धि विकसित हुई। ये मन विकसित हुआ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी ईगो को अहंकार कहते हैं, अहंग तत्व कहते हैं। ये चार विकसित हुआ तो यहीं से सारी हमें लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू हो गई। यहीं से हम बड़े कि आप बड़े, अहंकार की रक्षा, हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाएंगे। उसने हमको गाली दिया, हम उसको लेसन देंगे। उसने हमारी माँ को गाली दिया, हम उसका सिर काट लेंगे। ये सब उल्टा सीधा यहीं से शुरू होता है। इस पूरे जो मानव जगत का ये लीला है यहीं से शुरू होती है। जब शुरू होती है यहाँ पर लड़ाई काट मार झगड़ा का माहौल आया तो उसको बचाने के लिए ये जो चित्त एक चुंबक की तरह होता है। इसमें देखिए मैग्नेट है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस है। तो यहाँ से 5 वाइब्रेशन निकलते हैं जिसको पंच तत्व कहते हैं। आतनिक पंच तत्व की बनी शरीरा, तो ये पंच तत्व है। इस पंच तत्व में ये चुंबक के सारे गुण हैं, जिसमें देखिए ये 5 है, ये तो 5 प्लस होगा और 5 माइनस होगा और फिर बीच में ये 5 प्लस माइनस होगा। ये जो प्लस माइनस है ये
इसी को प्राण कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। ये है ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको कर्म इंद्रियां कहते हैं। हमारा कर्म क्या है? प्राण का सृजन करना। ये क्या है? ये तन्मात्रा है। ये जो ज्ञानेंद्रियां, उसी का विषय है। ये ज्ञानेंद्रियों की खुराक है। ये तो ज्ञानेंद्रियों को उनकी खुराक से मिलाना, इससे प्राण प्रकट होता है। हम आँखों को खोलें, दुनिया को देखें, इससे लाइफ फोर्स बनती है। दुनिया को देख करके अगर हमने ये कहा कि छोटे ये बड़े, तो जो लाइफ फोर्स होगी कमज़ोर होगी, फिर हार्ट की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगी, गठिया होगी। हमने काम से सुना और राग विदेश हुआ तो हमें बीमारी आएंगी। हम नाक से गंध की अनुभूति, जीवा से स्वाद की अनुभूति, उसमें राग विदेश हुआ कि स्वाद अच्छा है कि नहीं, गंध है कि सुगंध है, ये सब चीज़ हुआ तो याद रखिए फिर हमें बीमारियाँ आएंगी। तो सब चीज़ यहाँ से शुरू हो गया। तो हमें करना क्या है? जब जानते हैं तो हमें प्राण सिंथेसिस करना है, प्राण का निर्माण करना है। प्राण का निर्माण करेंगे तो आलस्य नहीं होगा। अगर आलस्य आया तो जैसे एक एक लोहा है, लोहे में से बिजली जा रही है, ये एक स्टील है, ये इसमें से करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें जंग नहीं लगेगा। दो तीन महीने उससे करंट ना जाए तो इसमें जंग लग जाएगा। आपके शरीर में काम ना हो, आलसी बैठे रहिए, हड्डियों से काम ना लीजिए, हाथ पैर से ना लीजिए, चमड़े से ना लीजिए, आँख काम से ना लीजिए, और कौन सा काम ले? पवित्र काम। पवित्र काम कौन सा काम होता है? सेवा भाव। सेवा करके हम कुछ रिटर्न ना चाहें। जब ऐसा काम लेते हैं तो सिर से पैर की उंगली तक किसी भी अंगों में बीमारी नहीं आती है। तो याद रखिए, तो जो क्रिया योग दीक्षा वाली क्रिया में प्राण तत्व का सृजन होता है, फिर प्राण तत्व जो अंग बीमार हैं वहाँ जाकर के उसको रिपेयर करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। क्रिया योग करते जाइए तो ज्ञान इतना बढ़ता है, क्योंकि इसमें आसमान तत्व की कमी है तो आसमान हम बना लेते हैं, वायु की कमी है तो ऑक्सीजन बना लेते हैं, पानी की कमी है तो पानी भी बनता है। हम पृथ्वी से पानी लेते हैं कि नहीं? ट्यूबवेल की बोरिंग करते हैं, पानी मिलता है कि नहीं? तब के अंदर भी पानी बनता है। जब दीक्षा वाली क्रिया के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अंदर में जो सारे तत्व हैं, जैसे ठोस तत्व हमको चाहिए हड्डी के लिए, मांसपेशियों के लिए, हमें लिक्विड भी चाहिए, जैसे खून चाहिए, लिम्फ चाहिए, डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, ये सब अपने अंदर आप बना लेंगे। इसके साथ हमें और क्या चाहिए? अग्नि तत्व कहिए, ये सब चीज़ को जोड़ के रखे। अग्नि तत्व जोड़ता है, जोड़ने की और क्रिया का विस्तार हो तो हमें वायु तत्व चाहिए, और जोड़ने की क्रिया का विस्तार हो तो हमें आसमान तत्व चाहिए। इन सब का सृजन हम कर लेते हैं दीक्षा वाली क्रिया के एक्सपर्ट होने के बाद, जिसको 24 तत्व कहते हैं, इसका सृजन हम कर लेते हैं, जिसका निर्माण कर लेते हैं तो स्वरूप को हम बना लेते हैं। दीक्षा वाली क्रिया का ये लक्ष्य है, ये याद रखिए। इस तरीके से अब आप रिचार्जिंग के एक्सपर्ट न होइए। परंपरा फैली है कि कान फूंक के दीक्षा दे दीजिए, एटम मंत्र दे दीजिए, कहते रहें, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। हमें थोड़ा सा पानी लेकर के अचमन किया, पवित्रम पवित्रम कह करके लोटा का पानी लिया, छिड़क लिया, ओम ओम करके कह लिया, कोई चीज़ कह लिया, दीक्षा हो गई। ये भ्रम है, दीक्षा करते उस ज्ञान को प्राप्त करने की इसको बना लीजिए। दीक्षा अर्थ है कि हम सिद्ध करें कि ईश्वर के संतान हैं, परब्रह्म की संतान हैं, हम उनकी तरह हम कर सकते हैं। जैसे परब्रह्म हैं वैसे हम रह सकते हैं। दीक्षा वाली क्रिया का यह अर्थ है। इस तरह से इसमें जो 14 भुवन का वर्णन है, ये इन 14 भुवन के संपूर्ण चीजों का निर्माण कर सकते हैं। इसे मैंने कहा कि अगर एक से लेके 42 तक दीक्षा वाली क्रिया नहीं याद है तो इसको मान लीजिए कभी आपका दीक्षा लेने का मन नहीं है।
आप कहते कैसे करें, हमारे घुटने में तकलीफ है। हमने कहा ना कुर्सी बैठ के करिए, कुर्सी बैठ करके भी वही कर सकते हैं, कुर्सी बैठने की दिक्कत है लेट के करिए। आपके अंदर ऐसा आए प्रेम आए तो कि करना है। इसे देखिए कितने लोग दीक्षा लिए होंगे, SRF खोला अमेरिका में, परमहंस योगानंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोले, कितने लोग दीक्षा मिली होगी, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया रांची में कितने लोगों को मिली होगी, और अनेक लोग दे रहे हैं, ठीक दे रहे हैं कि सही, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अनुसार की एडवाइसेस और SRF दो ही जगह क्रिया योग ठीक है, बाकी के बारे में ठीक है कि नहीं हम बोलेंगे नहीं। तो 101 से लेकर 42 तक क्रियाओं को सीखिए मन लगा के, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप दीक्षा लीजिए और कहिए 2 साल के बाद हम बीमार हैं। क्या बताएं, हम क्रिया करते हैं ये तकलीफ हो गई हमें, अरे चक्कर आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये हम सुनना नहीं पसंद करेंगे। क्योंकि आपको हम सुविधा दे रखे हैं, आप रहिए सीखिए, तब भी ना सीखिए, तो इसका सीधा अर्थ है कि अभी आपका मन नहीं है। आपका मन है कि आप महान नहीं, महान हैं आप, जैसे कोई गोल्ड है, गोल्ड का आप अभी आप कोई आर्नामेंट ना बनाइए, गोल्ड की कीमत तो है ना, अभी आप नहीं सीख रहे हैं तो आपकी महानता दबी हुई, महानता तो है। एक सोने को आप किसी मिट्टी के अंदर ढक दीजिए या कूड़े कचरे में ढक दीजिए, गंदे नाले के पानी में डाल दीजिए, सोने की कीमत नहीं घटेगी। तो आप दीक्षा वाली क्रिया ना करें, लेकिन आपका मूल्य, आपका अस्तित्व बहुत महान है, आज नहीं कल करेंगे। हाँ, जब आपको मन होगा कि हम अनुभव करें कि वह परब्रह्म है और कुछ भी नहीं है, वही हमारे रूप में सब रूपों में है, तब 1 से लेकर 42 तक रिचार्जिंग सीखने में टाइम नहीं लगेगा। और सीखने का तरीका क्या है कि आप 1 से लेकर 5 तक एक दिन में सीखे, अरे 105 नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा है ये, ठीक है 1 से लेकर के 2 तक सीखिए, चलिए 1, 2, 3 हमने 3 सीखा, ठीक है उसी 1, 2, 3 को खड़े होकर दोहराइए, खड़े होकर नहीं कर सकते बैठ के करिए, 1, 2, 3 फिर 3, 2, 1 करिए इसको, इसमें 20 मिनट समय दीजिए, आप 20 मिनट तक इसको करेंगे ठीक है, और इसको 2 बार करिए, 3 बार करिए, फिर अगले दिन इसमें 1 और जोड़ लीजिए, फिर अगले दिन 1 और जोड़ लीजिए, 5वीं ऐसे 1-1 जोड़ते जाइए। आपको कितना दिन लगेगा सीखने में, अधिकतम 2 महीने, और 2 महीने रिचार्जिंग के मास्टर हो गए तब तक जानते हैं, परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी, फिर आप दीक्षा वाली क्रिया लीजिए। आइए हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ सिर से पैर की अंगुली तक अपने स्वरूप की अनुभूति करें। जो स्वरूप की अनुभूति है इसके बारे में सच्चा ज्ञान ही है, परब्रह्म रचनाकार स्वयं इस तरह से व्यक्त हो रहे हैं। क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे, नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें, ओपन आईज।